कहीं केदारनाथ में, कहीं तुंगनाथ में, कहीं बद्रीनाथ में ये चला गया था। वहां से ना बाइक मोड़ के वापस आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये जो रास्ता आ रहा है ना, इसी रास्ते से ही मैं आ रहा था। ऐसी जगह शाइन भी शाइन कर रही है, देख रहे हो कहाँ पहुँच गई है भाई, देख रहे हो। क्या उल्टी की बातें कर रहा हूँ यार मैं, है मिट्टी डालो मिट्टी डालो। अरे भाई हटा लेना, हाँ हाँ हटा ले भाई, हो गया भाई हो गया तेरा। और यहाँ पे ना यार ज्यादा देर खड़े नहीं होने दे रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं जल्दी से निकलो भाई। ये मैं वीडियोज में ही देखा करता था, लेकिन इसके आस पास का नजारा मेरे को बहुत बहुत ज्यादा सही लगा। भाई अब शुरू हो गई है जन्नत, देख रहे हो ये पहाड़ भाई, ये नजारे देख रहे हो, मजा आ रहा है यार एकदम। इसी बात पे यार जयकारा लगा देते हैं एक बार, बोलो हरे हरे जय श्री केदार, जय बाबा तुंगनाथ की। इतने अच्छे नजारे दिखाने के लिए बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो ये सोच रहे हैं इससे ज्यादा तो नजारे और अच्छे अच्छे होंगे, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना नजारे और भी अच्छे अच्छे होंगे। लेकिन हम जिस जन्नत को ढूंढने आते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक एक फील आ जाता है यार मेरे अंदर कि हाँ यहाँ से नजारे अब मेरे मन को भा रहे हैं, कि मेरा ट्रिप पे आना मतलब यार धीरे धीरे ना वसूल हो जाता है। समझ रहे हो, इन नजारों के लिए आता हूँ यार मैं, इनसे कितना देर मैं जुदा रहता हूँ। ऐसी तड़प सी होती है कि यार कब मैं फिर जाऊंगा वापस। अभी तो कोई नहीं, इन बातों को दूर रखते हैं और इन नजारों के मजे लेते हैं कि भाई देख रहे हो क्या नजारा है भाई। एक अच्छा सा लोकेशन आएगा ना वहाँ पे, रुक के आपको मोबाइल से दिखाऊंगा, बहुत अच्छा दिखेगा, गजब गजब मजा आ गया यार। मजेदार यार, भोले बाबा मतलब यार कहाँ रहते हो भोले बाबा, मतलब इतनी अच्छी अच्छी जगह आपके इतने घर है भाई। कहीं केदारनाथ में, कहीं तुंगनाथ में, कहीं बद्रीनाथ में घर, देख रहे हो भाई कितने अच्छी अच्छी जगह रहते हैं बाबा। वैसे तो पूरा संसार ही आपका है, आप जहाँ निवास करते हैं ना, आपके मंदिर ऐसी ऐसी जगह है ना कि उसका मतलब देखते ही बनता भाई, इसीलिए तो इसे कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ जरा सा रुकते हैं भाई, देख रहे हो भाई क्या नजारा है भाई, देख रहे हो नीचे, यही दिखाने के लिए तो मैं आपको रुका हूँ। ये देख रहे हो भाई सामने नजारा, कहाँ पहुँच गए राहुल पांडे, को ये वाला कैमरा निकालता है। अभी यार मैं पहुंच चुका हूं भाई ऐसी जगह जो आपको यार दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं इस साइड ऊपर जा रहा था, मैं थोड़ा आगे चला गया था, वहां से ना बाइक मोड़ के वापस आया हूं आपको दिखाने के लिए। ये देखो भाई नजारा यहां पे एकदम मजेदार दिख रहा है ना, वाह बादल के साथ ये पहाड़ देखो भाई। ये जो रास्ता आ रहा है ना, इसी रास्ते से ही मैं आ रहा था, इस रास्ते से घूमते 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 ये यहाँ पे आया, और ना मैं ना वहां तक चला गया था, वहां से गाड़ी घुमा के यहाँ पे आके फिर यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई और ये वाला नजारा हमारे साथ, गजब यार मजा आ गया यार इसको देख के। अभी यार यहाँ पे हम खड़े होके थोड़ी बहुत फोटो खिंचवाएंगे, और वो एक कपल है वहाँ पे, उनसे यार बोलेंगे यार थोड़ी फोटो वोटो खींच दो हमारी। ऐसी जगह शाइन भी शाइन कर रही है, देख रहे हो कहाँ पहुंच गई है भाई, देख रहे हो। चलो भाई अब वापस, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे नजारे देख लिए हमने, अब चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। यहाँ तो रोड क्रॉस करना मतलब आफत है भाई, समझ रहे हो, इधर से भी देखो उधर से भी देखो और विदाउट डिवाइडर क्रॉस कर 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 जल्दी कर जल्दी, हो गया। चलो आगे भैया देवप्रयाग की तरफ। हाँ हाँ ये ले उल्टी खूब उल्टी उल्टी जी उल्टी बहुत सारी उल्टी जी। पहाड़ों में यार अक्सर ऐसा होता है यार, जो रेगुलर नहीं आते ना उनके साथ ऐसा हो जाता है यार, रेगुलर भी आते होंगे तो उनके साथ भी होता होगा, किसी किसी को सूट नहीं करता यार ऐसा एक जगह बैठ के ना बस में या फिर कैब में, ऐसा लगता है कि हाँ भाई घूम रहा है, क्योंकि गाड़ी भी घूमते घूमते चढ़ती ना पहाड़ पे, ऐसा लग रहा सब घूम रहा भाई, तो चक्कर वगैरह आ जाते हैं फिर उल्टी हो जाती है। क्या उल्टी की बातें कर रहा हूँ यार मैं, है मिट्टी डालो चलो आगे आगे चलो जी जनता आगे चलो। ओ भाई आगे तो और बेहतरीन बेहतरीन नजारे भाई, जहाँ देखो ना ऐसा मन कर रहा है भाई रुक जाओ इधर कैमरा निकाल लो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना बबुआ, बहुत लेट हो जाएगा फिर, जहाँ एकदम ही नहीं रहा जाएगा ना वहाँ निकालूंगा कैमरा। चलो जी आगे मिलते हैं। कहाँ तक जाओगे बता देना, कहाँ था तुम्हारा स्कूल,
अच्छा पैदल जाते हो? पैदल? अच्छा कोई ना कोई मिल जाता रोज ऐसे। कितना दूर है शिव मूर्ति? अच्छा अच्छा रुको यहीं रोक देता हूँ, उतर जाओ। क्या मेरा नाम बताओ अपना? क्या नाम है आपका? कशिश। कौन से क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। चलो ठीक है, बाय बाय, वेलकम। अभी एक जी प्यारी सी बच्ची मिली थी, कशिश नाम था उसका, स्कूल से आ रही थी वो, उसने लिफ्ट मांगी, हमने उसको लिफ्ट दे दिया। तकरीबन 1-2 किलोमीटर तक आई वो, और डेली ये मतलब ऐसे ही स्कूल जाती है। मैंने उससे काफी बातें भी की तो वो बता रही थी कि यार डेली स्कूल ये ऐसे ही जाती है, कोई ना कोई इसे मिल जाता है तो लिफ्ट लेके चली जाती है, मतलब हिचाइकिंग करके अपना स्कूल चले जाओ, हिचाइकिंग करके स्कूल से वापस आ जाओ। अभी यार फिलहाल हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग में एक अमेजिंग चीज आपको दिखाऊंगा, जो संगम है ना वो आपको दिखाऊंगा। बाइक खड़ी करे कहीं अच्छी सी जगह तब आपको दिखाऊं। ये भाई लोग हटाने वाले लग रहे हैं, क्योंकि यार फोटो एकदम चकाचक आनी चाहिए हमारी, इसीलिए यार थोड़ा सा लोकेशन देख के हम रोकेंगे बाइक। कहीं भी रोक देंगे ना तो थोड़ी फोटो सही नहीं आएगी। वो भाई, अरे भाई हटा ले भाई, अरे भाई हटा लेना। हाँ हाँ हटा ले भाई, हो गया भाई, हो गया तेरा। हाँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई। हाँ हट गई हट गई हट गई। वाह कितना मजेदार है भाई, लेकिन ये सही से कहाँ से दिखेगा? जहाँ पीछे रुके थे ना वहाँ पे यार बहुत ज्यादा सही आ नहीं रहा है व्यू, कोई और व्यू ढूंढ रहा हूँ यार, कहीं और से दिखा जाए। ये यहाँ से सही दिख रहा है भाई, मस्त एकदम। यहाँ ना ज्यादा यार टाइम नहीं है, पुलिस वाले खड़े हैं, तो यहाँ जल्दी से ना हेलमेट निकाल नहीं रहा हूँ मैं, ऐसे ही बना दे रहा हूँ यार वीडियो, ठीक है? क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ रुकने नहीं देते ज्यादा देर, फोटो खिंचाओ और निकलो यहाँ से, ऐसा वाला सीन है यहाँ पे। तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ यार देवप्रयाग, और देवप्रयाग में ना दो नदियों का संगम होता है, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। ये दोनों मिलके यहाँ से गंगा बनती है और आगे हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ चली जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ यार, दोनों अलग अलग कलर की हैं। ये खड़ी है हमारी शाइन, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है देवप्रयाग, और यहाँ पे ये नीचे देखो दो कलर की नदी आपको दिखेगी। ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाली जो है ये है भागीरथी और वो है अलकनंदा, और ये देखो दोनों यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ से मिलके एक हो रही है, और ये सीधे ऋषिकेश फिर हरिद्वार ऐसे चली जाएंगी। और देखो कितना बढ़िया है ना व्यू यार यहाँ का, बहुत ही मजेदार यार, एकदम अमेजिंग व्यू है। मतलब यहाँ पे ये मैं वीडियोस में ही देखा करता था, आज देखो मैंने यहाँ देख लिया यार, मजा सा आ गया यार एकदम एकदम। लाइव अगर देखोगे ना ऐसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो छोटे छोटे घर हैं, होटल हैं, काफी ज्यादा सही लग रहा है यार ब्यूटी यार यहाँ की। और वहाँ पे देखो नीचे लोग ना स्नान कर रहे हैं, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा मेरे में, वहाँ पे वो देखो लोग नहा रहे हैं वहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग है भाई। और यहाँ पे ना यार ज्यादा देर खड़े नहीं होने दे रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं जल्दी से निकलो भाई, और मेरी फोटो खींचने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई, कैसे खींचूं मैं अपनी फोटो समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं यार अभी। तो चलो जी फाइनली देवप्रयाग को करते हैं बाय बाय, गजब का नजारा था यार ये। फिर कभी खाली टाइम में आऊंगा ना वहाँ नीचे जाके नहाऊंगा, मन तो बड़ा है, लेकिन अभी जहाँ जाना है वहाँ चलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है यार, चश्मा लगा के तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कितनी गर्मी है भी, चश्मा में निकाला ना इतनी तेज धूप है ना भाई, बहुत ज्यादा। ऐसे ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा जाता भाई, देख रहे हो कितनी गजब गजब की चीजें हैं यहाँ पे। अभी है भाई अपडेट, रुद्रप्रयाग 38, कर्णप्रयाग 72, और श्रीनगर है मात्र 10 किलोमीटर। आप सबको ना एक टिप बताता हूँ भाई, अगर जो भी बाइक से राइड करते हैं गर्मियों के मौसम में, अगर ज्यादा गर्मी लग रही हो ना, तो अभी जो मैंने किया है ना वो आप भी कर सकते हैं। अभी मैं पीछे रुका था वहाँ पे, मैंने अपने दोनों ग्लव्स गीले कर लिए हैं, और अभी इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ना भाई हाथों में। हाँ हाँ जैसे हवा चल रही है ना बाइक चलाते समय, कभी बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, हमने किया था तो हमने बता दिया आपको।
अभी टाइम हो चुका है यार 3:30, हम पहुंच चुके हैं धारी देवी के मंदिर और काफी ज्यादा अच्छा व्यू है, लेकिन यार धूप बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन मैंने यार ब्रेक लेने के लिए यार थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि अब जानते हो ना फिर क्या होता है भाई ज्यादा बाइक चलाने में। मैं आपको दिखाता हूँ यार मंदिर कैसा दिखता है यहाँ पे। ये देखो ये वाला है टेम्पल यहाँ पे, और देखो कितना सही लग रहा है ना। और इसके आसपास के नजारे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये खड़ी है अपनी शाइन, और इसके आसपास का नजारा देखो, ये देखो क्या है, वहां धारी देवी का टेम्पल है, और ये देखो अमेजिंग ना, मजेदार है। और इतना ज्यादा सही लग रहा है ना भाई देखने में यहाँ पे, देख रहे हो पहाड़ों के बीच में से ये भागीरथी नदी जा रही है, जो नदी मैंने आपको वहां दिखवाई थी ना वो यहाँ पे भी है, देख रहे हो कितना सही लग रहा है, मजेदार एकदम। और वो देखो मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है मंदिर, ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसके आसपास का नजारा मेरे को बहुत बहुत ज्यादा सही लगा, खास करके ये वाला व्यू बहुत सही लग रहा है भाई, देख रहे हो। और ऐसा कहा जाता है ना कि धारी देवी का जो टेम्पल है वो ना केदारनाथ का जब फ्लड आया था ना तो वो शिफ्ट हो गया था उसके प्रेशर से, लेकिन यहाँ पे जो गांव वाले रहते थे ना उन्हें सपने में धारी माता आई और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पे पहले थी वहीं पे मुझे दोबारा से स्थापित कर दो। तो फ्लड खत्म होने के बाद गांव वालों ने मिलकर सबकी सलाह से, गवर्नमेंट की सलाह से दोबारा से इस टेम्पल को यहीं पे फिर से बनाया और फिर से उन्हें यहीं पे स्थापित कर दिया। मुझे तो यार काफी ज्यादा सही लगा इनके आसपास का व्यू। और आप जब आओगे ना तो श्रीनगर से 8 किलोमीटर आगे पड़ता है धारी देवी का मंदिर, आप आओ और नीचे जाके दर्शन करो। मैं तो यार रास्ते में से देख रहा हूँ क्योंकि हमें पहुँचना है अभी, और हमारा जो सफ़र है वो अभी तकरीबन यार 50-60 किलोमीटर और बचा हुआ है, और देखते हैं यार 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे फिर हम पहुँच जाएंगे आज, ठीक है। तो अभी हम पार कर रहे हैं भाई धारी देवी को, और ये है गेट नीचे जाने का, नीचे जाके आप दर्शन वगैरह कर सकते हैं। हमें जाना है आगे, रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, इसलिए हम जा नहीं रहे यार, क्योंकि नीचे जाने में तकरीबन भाई 15-20 मिनट जाने में, 15-20 मिनट आने में, और 5-10 मिनट वहां पे रुकने में, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो धारी देवी को यहीं से भाई जय कर देते हैं, धारी देवी की जय, और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जाना है हमें रुद्रप्रयाग। इतना सारा डिस्टेंस कवर कर लिया है, बस लास्ट में ही दर्द उठ जाता है। दर्द इसलिए उठता है क्योंकि दर्द होता है इसलिए दर्द उठ जाता है। अब समझने वाले समझ गए होंगे क्या दर्द हो रहा है और कहाँ दर्द उठ रहा है। तो ऐसे ही कुछ सीन है भाई, अभी हमें लग रही है बहुत तेज प्यास, और ये सब कार्यक्रम के चक्कर में हम भूल गए पानी पीना, जिसलिए रुके थे वो ही करना भूल गए। कहीं पानी दिखेगा तो यार रुकूंगा यार मैं, ये शांत शांत पानी कितना सही लग रहा है ना भागीरथी में। और ये सामने वाला ना भाई इतना धीरे धीरे चल रहा है, इससे तेज तो मैं ही चल लूंगा, जबकि मेरे को बड़ा डर लगता है तेज चलने में पहाड़ों में। हाँ भाई जो है सो है। अभी एक चीज और बताना चाहता हूँ यार, मैं पहाड़ों में ना मैं तेज गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकता, ऐसे चलानी भी नहीं चाहिए, लेकिन यार कई लोग चलाते हैं, लेकिन मैं बहुत स्लो स्लो चलाता हूँ भाई, 40-50 की स्पीड में चलाता हूँ बस। और जबकि रास्ता अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मेरे को ना थोड़ा टर्न लेने में ना डर लगता है फिर पहाड़ों में।